यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार तय। प्रधानमंत्री के दूत अरविंद शर्मा बनेंगे मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी मंत्री बन सकते हैं। संजय निषाद समेत आधा दर्जन मंत्री बनेंगे। नाराज पिछड़ों को साधने की कोशिश होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कद भी बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्ण विराम लग गया था उसको लेकर अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दूत अरविंद को भी एक नई मंत्री मंडल में जगह मिल सकती है। अनुप्रिया पटेल के पति को भी जगह मिल सकती है। संजय निषाद समेत आधा दर्जन मंत्री बनेंगे। नाराज पिछड़ों को साधने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ मार्तंड संवाददाता जुड़ चुके हैं। मार्तंड, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, एक तो केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ सकता है, साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है, कई बड़े मंत्री बनाए जा सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल, कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकातों का दौर चल रहा है और कल अमित शाह से मिलने के बाद जो है प्रधानमंत्री से आज मुलाकात हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जा रही हैं, जिन पे हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 2022 के इलेक्शन को लेकर किस तरीके से ये मुलाकात चल रही है। हम लोग लगातार बातें कर रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तब वो चीजें सामने आती जा रही है और बात वही है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो नाराज वर्ग है, जो दूसरी जो पार्टियां जो समर्थन करती हैं, वो जो उनमें जो नाराजगी है उसको किस तरीके से दूर की जाए, उसी को लेके देखिए ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अनुप्रिया पटेल अपना दल, लगातार बातें हो रही थी कि अपना दल नाराज चल रहा है, अपना दल अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही है, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल और अपना दल को जो है अपने साथ रखने के लिए ये पूरी कवायद है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी कद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो एक पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा रहे हैं और डिप्टी सीएम रहे हैं लगातार, तो जाहिर सी बात है उनको भी जो उनका कद बढ़ाया जाएगा और कुछ ना कुछ जो है उनको शक्तियां मिलेंगी, चाहे वो विधायकों को टिकट दिलवाने की बात हो या जो ब्यूरोक्रेसी में जो पकड़ हो उसकी बात हो, संजय निषाद को भी जो है मंत्री बनाने की बात चल रही है, मतलब कुल मिला के जो है ये पूरी की पूरी तैयारी जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि जिस तरीके से बीएल संतोष के आने के बाद से लगातार बातें हो रही थी कि अरविंद शर्मा को भी जो है कुछ पार्टी में उनका कद बढ़ाया जाएगा, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो वो चीजें अब सामने आने लगी हैं और अभी जो है इनकी मुलाकात से खबर मार्तंड आ रही है, उस हिसाब से बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा, संगठन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं और नाराज दलों को हालांकि सबसे बड़ी जद्दोजहद जो है वो उन्हें मनाने की और एक बार फिर से एकजुट करने की जो कोशिश है ये भी बहुत ज्यादा जोरों से चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर बहुत बड़ी आ रही है। इसके शर्मा को भी बड़ा मंत्री मंडल में जगह देने की बात लगातार सामने आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और एक बार फिर अब ये सामने आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन इन सब के पीछे की वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है और वो दोबारा अपना सत्ता अपने पास बरकरार रखना चाहती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जरूरी है कि जो नाराज वर्ग है, जो दल हैं जो इनके इनको समर्थन करते हैं सरकार में, वो उन दलों की नाराजगी दूर की जाए। उसी के तहत देखिए, अरविंद शर्मा के लिए बहुत समय से बातें चल रही थी, वो जब से जो है उनको उत्तर प्रदेश में बीजेपी में आए थे वो, और लगातार जिस तरीके से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड हर जगह वो दौरे कर रहे थे, संगठनों के साथ बैठक कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे लोकल लेवल पे नेताओं के साथ, तो उसी से ये तय हो गया था कि अरविंद शर्मा को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी सरकार में, और वही चीज अब सामने आने लगी कि अरविंद शर्मा को मंत्री बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 2022 का विधानसभा चुनाव, उसकी पार्टी अब तैयारी करने लगी है, मंत्रिमंडल के जो भी पद खाली हैं, चुनाव के एन पहले मंत्रिमंडल बदलाव सीधा संकेत होता है कि ये पद उन लोगों से भरे जाने हैं जिनको पार्टी चेहरा बनाकर आगे 2000 विधानसभा चुनाव में उस पर्टिकुलर वर्ग के वो जो वोटर्स होते हैं उनको अपनी तरफ लगातार आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के करीबी एस के शर्मा माने जा रहे थे, तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें लगातार सामने आ रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा उसको लेकर अब
अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन अब ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको पहुंचा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार बड़े स्तर पर हो सकता है। एसके शर्मा समेत अनुप्रिया पटेल के पति को कई अहम जगह मिल सकती है, साथ ही साथ मंत्रियों के आधा दर्जन से अधिक मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो 2022 के चुनावी समीकरण अभी से साधने की बीजेपी ने पूर्णतः कोशिश शुरू कर दी, और जो नाराज दल है उनको किस तरह से एक बार फिर से मनाया जाए, कौन से मंत्रियों को शामिल करके कितनी ताकत में वृद्धि हो सकती है 2022 के चुनाव को लेकर, उस पर भी मंथन जारी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही दिल्ली से लौटेंगे, अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी से मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जब वो वापस उत्तर प्रदेश लौटेंगे तो मंत्रिमंडल में बड़े विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल वक्त तो चला है।